तो हॉलीवुड के एक्टर टॉम हॉलैंड को जाना जाता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में स्पाइडरमैन का रोल प्ले करने के लिए और रिप्रेजेंट की जनरेशन में इकलौते स्पाइडरमैन है, तो आप इनके क्रेज और फैंडम का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें अमेरिका को छोड़कर इंडिया की, तो इंडिया में भी जिस विदेशी सुपर हीरो का क्रेज सबसे ज्यादा है उसका नाम है स्पाइडरमैन, और इसी वजह से अमेरिका के साथ साथ इंडिया में भी टॉम हॉलैंड का फैन बेस काफी ज्यादा है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टॉम हॉलैंड की टॉप 10 मूवीज के बारे में, और ये वीडियो बैकवर्ड से चलेगी, मतलब जैसे जैसे नंबर कम होते जाएंगे वैसे ही मूवीज लेटेस्ट होती जाएंगी। तो चलिए बिना कोई फालतू टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के अमेजिंग वीडियो को। तो नंबर 10 पर जो टॉम हॉलैंड की मूवी आती है उसका नाम है द इम्पॉसिबल, और इस मूवी के आपको एक नॉर्मल और हैप्पी फैमिली की स्टोरी दिखाई जाती है, जो फैमिली अपने 3 बच्चों के साथ थाईलैंड में क्रिसमस की छुट्टियां बिताने का फैसला करते हैं। लेकिन उनकी ये शानदार छुट्टी एक काफी खतरनाक हादसे में बदल जाती है, क्योंकि थाईलैंड में छुट्टियों के दौरान वहां पर सुनामी आ जाने से उनका पूरा परिवार बिखर जाता है। फिलहाल ये मूवी टॉम हॉलैंड की डेब्यू मूवी है, और इस मूवी के अंदर टॉम हॉलैंड 16 साल के टीनेजर बॉय के रोल में नजर आ रहे हैं, और इस मूवी के अंदर उन्होंने ल्यूकस नाम के लड़के का रोल प्ले किया है। और टॉम हॉलैंड की ये मूवी एक इमोशनल मूवी होने के साथ साथ एक काफी ज्यादा औसम मूवी भी है। नंबर 9 पर आते हैं टॉम हॉलैंड की मूवी इन द हार्ट ऑफ द सी। इस मूवी की स्टोरी लाइन 1820s के टाइम पर बेस्ड है, और इस मूवी की कहानी मशहूर मोबे के नॉवेल से इंस्पायर्ड है। इस मूवी की कहानी काफी ज्यादा अमेजिंग है, और इस मूवी के अंदर हमको एक शिप क्रू के जिंदा रहने के स्ट्रगल को दिखाया जाता है, क्योंकि उनके शिप पर एक वेल अटैक कर देती है जिससे उनका शिप काफी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस मूवी के अंदर आपको टॉम हॉलैंड के साथ साथ क्रिस हेम्सवर्थ भी देखने के लिए मिलेंगे, और टॉम हॉलैंड ने इस मूवी में क्या ही कमाल की एक्टिंग की है। इस मूवी के अंदर टॉम हॉलैंड की एक्टिंग देखने के बाद आप जरूर से टॉम हॉलैंड के फैन बन जाएंगे। नंबर 8 पर आती है द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड, और इस मूवी के अंदर आपको एक इनक्रेडिबल ब्रिटिश एक्सप्लोरर की स्टोरी देखने के लिए मिलेगी, जो कि कुछ एविडेंस ढूंढने के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट करता है अमेज़न के खतरनाक जंगलों से, जहां वो कुछ एडवांस सिविलाइजेशन को ढूंढ रहा होता है, और वो डिसाइड करता है कि ऐसे मिस्टीरियस विलेज को ढूंढने का जहां पर उसे कुछ ऐसा मिल सके, पर बदकिस्मती से वो वहां से वापस नहीं लौट पाता है। तो अगर आपको जानना है कि आखिर उस एक्सप्लोरर के साथ में क्या हुआ, तो आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। इस मूवी को 1925 के बेस पर सेट किया गया है, और टॉम हॉलैंड इस मूवी के अंदर एक काफी अच्छे रोल में नजर आते हैं। नंबर 7 पर आते हैं कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। वैसे इस मूवी के अंदर टॉम हॉलैंड को स्क्रीन टाइम काफी कम मिला था, तो आप ये सोच रहे होंगे कि फिर इस मूवी को टॉप 10 की लिस्ट में क्यों रखा है। तो आपको बता दें कि इस मूवी के अंदर टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन का रोल प्ले करने वाले सबसे यंगेस्ट एक्टर थे, जिन्होंने एक लीड रोल के तौर पर एमसीयू में डेब्यू किया था। बाकी इस मूवी की स्टोरी के अंदर आपको ये दिखाया जाता है कि एवेंजर्स 2 टीम के ग्रुप में डिवाइड हो जाती है और आपस में फाइट करती है, जिसका रीजन काफी सारे इश्यूज होते हैं। और इस मूवी के अंदर अपने टॉम हॉलैंड यानी स्पाइडरमैन, टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन की टीम के साथ कैप्टन अमेरिका की टीम के खिलाफ लड़ते हुए नजर आते हैं। और इस मूवी के अंदर टॉम हॉलैंड ने हॉलीवुड के काफी बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया है, तो ये मूवी नंबर 7 का प्लेस डिजर्व करती है। नंबर 6 पर आते हैं दी करंट वॉर्स। यह एक बायोग्राफिकल मूवी है जो कि 80s टाइम की स्टोरी लाइन पर बेस्ड है और रियल लाइफ टाइम के इवेंट्स पर बेस्ड है। और इस फिल्म की कहानी लगभग उस समय की दिखाई देती है जिस समय में थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। और इस मूवी के अंदर टॉम हॉलैंड के साथ साथ हॉलीवुड सुपरस्टार बेनेडिक्ट कैम्बरबैच देखने के लिए मिलते हैं। यह एक काफी वंडरफुल मूवी है और आपको टॉम हॉलैंड की इस मूवी को जरूर से देखना चाहिए। नंबर 5 पर आती है पिलग्रिमेज, और ये मूवी एक एक्शन ड्रामा मूवी है जो कि 30th सेंचुरी के समय पर बेस्ड है, जहां पर हमें एक आइलैंड पर कुछ मॉन्क्स की स्टोरी दिखाई जाती है जो कि अपने रास्ते रोम की तरफ जा रहे होते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली वो एक वॉर में फंस जाते हैं और उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसके बाद इस मूवी में आपको काफी सारा एक्शन और काफी सारा ड्रामा देखने के लिए मिलता है। टॉम हॉलैंड की ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग मूवी है और वर्थ वॉचिंग भी। नंबर 4 पर आती है स्पाइडरमैन होमकमिंग, और टॉम हॉलैंड की ये मूवी उनकी फर्स्ट स्पाइडरमैन सोलो मूवी है। यह एक काफी अमेजिंग मूवी है जिसके अंदर टॉम हॉलैंड हमारे सबके फेवरेट स्पाइडरमैन का रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं। और इस मूवी के अंदर हम ये देख सकते हैं कि स्पाइडरमैन कैसे कंट्रोल करता है अपने आप को एज अ न्यू सुपर हीरो और माइटी विलेन वल्चर से फाइट करते हुए। और टॉम हॉलैंड तो इस मूवी के अंदर अमेजिंग लग ही रहे हैं, साथ ही में इस मूवी का एक्शन और ग्राफिक्स काफी ज्यादा अमेजिंग है। नंबर 3 पर आती है इन्फिनिटी वॉर। अब इस मूवी के बारे में मुझे ज्यादा बताने की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बाकी इस मूवी के अंदर लीड रोल के अंदर टॉम हॉलैंड की एक्टिंग काफी ज्यादा अच्छी है और उनकी एक्टिंग और इमोशंस इस मूवी को काफी ज्यादा ब्यूटीफुल बनाते हैं। बाकी अगर जो बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में, तो हमको इस मूवी की स्टोरी के अंदर ये देखने के लिए मिलता है कि सभी एवेंजर्स थानोस को इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करने से रोकते हैं। नंबर 2 पर आती है ऑनवर्ड। ये मूवी एक
फैंटेसी एनिमेशन मूवी है जिसके अंदर टॉम हॉलैंड ने एक कैरेक्टर को आवाज दी है। और इस मूवी के अंदर हमको दो ऐसे टीनेजर ब्रदर्स की स्टोरी देखने के लिए मिलती है जो कहीं से भी एक ऐसे मैजिक की तलाश में होते हैं जिस मैजिक की मदद से वो कम से कम एक दिन स्पेंड कर पाए अपने फादर के साथ जिनकी डेथ हो चुकी है जब वो दोनों भाई काफी ज्यादा यंग थे। एंड फाइनली नंबर वन पर आती है टॉम हॉलैंड की सबसे बेस्ट मूवी जिसका नाम है स्पाइडरमैन नो वे होम। इस मूवी की स्टोरी लाइन, टॉम हॉलैंड की एक्टिंग, मूवी का ग्राफिक्स वर्क्स, VFX सभी कुछ एकदम नेक्स्ट लेवल पर था। और बाकी इस मूवी के अंदर हमको जो टॉम हॉलैंड के इमोशंस देखने के लिए मिलते हैं वो टॉम हॉलैंड के कैरेक्टर के लिए एकदम नए थे। वैसे इस मूवी की स्टोरी के अंदर हमको ये दिखाया जाता है कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी सबके सामने रिवील हो जाती है और सभी को ये पता चल जाता है कि आखिर स्पाइडरमैन कौन है। जिसके बाद पीटर पार्कर हेल्प लेने जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज से और वहीं पर फिर कुछ ऐसा गड़बड़ झमेला होता है जिसके बाद पूरी मूवी के अंदर रायता फैल जाता है और पूरी मूवी के अंदर स्पाइडरमैन वही समेटता हुआ नजर आता है और इसी के साथ ही उसका काफी कुछ उससे दूर हो जाता है। अगर अपना ओपिनियन दो तो टॉम हॉलैंड की ये मूवी अब तक की सबसे बेस्ट मूवी है। तो ये थी टॉम हॉलैंड की टॉप 10 मूवीज के बारे में हमारी वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड मैं मिलता हूँ आपसे एक और अमेजिंग वीडियो के साथ।